अब हम बात करेंगे अपने नोट्स के बारे में, 27 अप्रैल 2020 मंडे के नोट्स के बारे में, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट एंड सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स थ्रू वेरियस मैटर, किस मैटर में, यानी स्टेट ऑफ मैटर्स हमारे पास होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड क्या होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव फास्टर थ्रू सॉलिड दैन थ्रू गैसेज और लिक्विड, लिक्विड और गैसेज के निस्बत सॉलिड में ये तेज़ होती हैं। ट्रांसवर वेव्स मूव थ्रू सॉलिड्स एट अ स्पीड ऑफ लेस दैन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इट इज़ बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग दिस अप एंड डाउन मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज लेस दैन द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखें, हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो सॉलिड में क्या होती हैं, फास्टर होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेज एंड लिक्विड, जबकि हमारे पास ट्रांसवर वेव्स हैं वो सॉलिड में कम होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की निस्बत, बल्कि उनके हाफ रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है वो अप एंड डाउन मोशन में पार्टिकल्स के, मीडियम के पार्टिकल्स के अप एंड डाउन में ज़्यादा करती है, और जो हमारे पास बैक एंड फोर्थ है उसमें कम करती है। इसी वजह से हमारे पास जो ट्रांसवर वेव्स हैं उनकी स्पीड भी कम हो जाती है सॉलिड्स में। ये हमारे पास इसकी रीज़न आ गई, रीज़न भी आपके साथ है, तो इसको आपने लर्न करना है। विच टाइप ऑफ द वेव कैरी मोर एनर्जी, सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव कैरी मोर एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव और लो फ्रीक्वेंसी वेव। टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर मोर एनर्जी पर सेकंड, अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स को क्रिएट करना है तो उसकी एनर्जी हमें उसके लिए ज़्यादा चाहिए और वो ज़्यादा ही एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगी, जबकि हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं वो एनर्जी भी हमें उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए कम चाहिए और वो आगे एनर्जी कैरी भी कम करेंगी। ये आपने दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो क्या करने हैं, 27 अप्रैल के लर्न करने हैं, प्लस राइट करने हैं अपनी कॉपीज़ पर।